चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड, आज के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं 7 अक्टूबर 2021 की क्या गतिविधियां हैं। सो आज के दिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनाउंस किया गया था 2019 में कि आज के दिन को 7 अक्टूबर के दिन को वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाया जाएगा। सो इसी तरह से आज पूरे विश्व में 2021 में 7 अक्टूबर के दिन जो है वो वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था और इस दिन को अनाउंस और सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है कि कॉटन के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उसकी क्वालिटीज हैं एज अ नेचुरल फाइबर और किस तरह से ये हमारे प्रोडक्शन में, ट्रेड में, कंजम्पशन में और ट्रांसफॉर्मेशन में यूज किया जाता है। सो कॉटन की क्वालिटीज को, कॉटन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता हुआ ये दिन 7 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना जो कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के जमीन के मालिकाना अधिकार से डील करती है। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरियाज, रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास जो जमीनें हैं उनका एलिजिबल और लीगल ऑनरशिप जो है वो किनके हाथों में है, वो इस योजना के अंदर जो है उसका वो अलॉट किए जाते हैं। ई प्रॉपर्टी कार्ड जो है अलॉट किए जाते हैं जो कि लीगल ऑनरशिप को दर्शाते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मध्य प्रदेश में 1,71,000 परिवारों को ई प्रॉपर्टी कार्ड स्वामित्व योजना के अंदर, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी एंड विलेज एरियाज, स्वामित्व योजना के अंदर उनको दिए गए। उसके अलावा टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर में भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा 100% FDI ऑटोमेटिक रूप में करने का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% ऑटोमेटिक रूप के थ्रू जो है वो टेलीकॉम सेक्टर्स में रह सकती है। आज से पहले जो आइसक्रीम्स के ऊपर 5% GST लगता था उसको इंक्रीज करके 18% कर दिया गया है। जी हाँ, अब आपको आइसक्रीम्स का जो 5% GST है उसकी जगह 18% GST अवेलेबल रहेगा। स्किल्स इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2021 में लगाया गया था, हाल ही में इस मेले का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, जिसमें स्किल इंडिया के तहत 52,000 अप्रेंटिसेस को हायर कर लिया गया है। जी हाँ, बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो उनको दी गई थी और स्किल इंडिया के तहत जो नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला लगा था 2021 में, उसमें 52,000 अप्रेंटिसेस को हायर कर लिया था। तो ये है 7 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स। जल्द ही मिलते हैं 8 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के साथ, कल के दिन 8 अक्टूबर 2021। So stay tuned with the YouTube channel of Education World, Education World EW.